अल्ताफ सर, कल की जो हमारी चर्चा चल रही थी उसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपके अनुभव के माध्यम से मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारे विद्यार्थियों के भी लिए फ़ायदेमंद होगा कि दर्शन के संदर्भ में जो बच्चों के अंदर एक हिचकिचाहट है, जो एक मतलब उनके अंदर एक संशय है या कि वो उसको उसके साथ अटैच होना नहीं चाहते या उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, तो इस संदर्भ में उन्हें ऐसा क्या एक आइडिया दे सकते हैं कि वो इस पे उसको कुछ वो समझने में उनके लिए आसानी हो सके? इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ ये कि जब बच्चा शुरू से लेकर के अब तक बच्चा ग्रेजुएशन और पीजी तक पढ़ता है तो वो दर्शन के एक ही रूप को जान पाता है, आध्यात्मिक रूप को। यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगा कि जो साइंस का विद्यार्थी है तो वो तो उसका तो कोई टच ही नहीं, हाँ उसका टच का नहीं, टच उसका भी होता है लेकिन उसको क्लियर करने के लिए कभी उसको बताया नहीं गया होता कि दर्शन में इसको प्रकृतिवाद कहते हैं या इसको यथार्थ कहते हैं। इसलिए उनका जो समझने की क्षमता होती है वो थोड़ी संकुचित होती है। उसका परिणाम ये होता है कि वो एक तरह से जो है दर्शन को धर्म से जोड़ लेते हैं, और जब तक वो धर्म से दर्शन को जोड़ करके चलते हैं तब तक वो जो है विज्ञान के साथ जो है उसकी कंट्रोवर्सी को पाते हैं, उसके साथ जितना स्ट्रगल है वो देखते हैं। तो दर्शन वास्तव में करता क्या है कि वो एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करके देता है जिसमें आप मतलब एक सामान्य से अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कुछ बच्चे आमतौर पर ये कह सकते हैं कि हम इस बर पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्या उनका दर्शन नहीं है? हाँ दर्शन उनका भी है, दर्शन उनका भी है क्योंकि भारतीय दर्शन में उसको लोकायत कहा गया है, लोकायत मत के तहत उन चीज़ों को स्वीकार किया गया है। विज्ञान पृष्ठभूमि में अगर आप विज्ञान को स्वीकार करते हैं, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तभी भी आपके लिए प्रकृतिवाद मिलता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि यदि बच्चे को एक टीचर सही समय पर यह समझा पाए कि उसके द्वारा कोई भी विषय जिस पर वो काम करना चाहता है वास्तव में दर्शन का ही हिस्सा है। तो जैसे कि आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं और पॉइंट जोड़ना चाहता था कि विज्ञान को ये माना जाता है कि उसमें तर्क मुख्य आधार होता है, किसी भी चीज़ को तर्क के आधार पर ही उसको माना या जाना या समझा जाता है, और इसी तरीके से दर्शन में भी अपनी पूरी एक उसकी वैचारिक भूमिका है। तर्क को ऐसा नहीं कि तर्क जो है दर्शन में नहीं है, और यहाँ तक मुझे याद है कि बर्टेड रसल जैसे प्रख्यात दर्शन शास्त्रियों ने इसके संदर्भ में काफ़ी कुछ लिखा है कि तर्क से किस तरीके से उन्होंने दर्शन को जोड़ा है। देखिए इसमें आप एक चीज़ जो मैं आपको अभी जोड़ूँ तो मैं ये कहूँगा कि कोई भी तर्क अपने तत्व से निकलता है, दर्शन की पृष्ठभूमि उसके मेटाफिजिक्स से तय होती है। मतलब जब आप विज्ञान पढ़ते हैं तो उसको हिग्स बोसान कह सकते हैं, गॉड पार्टिकल कह सकते हैं, और जब आप आदर्शवाद या अध्यात्म को पढ़े तो इसको ईश्वर कह सकते हैं। बेसिक एलिमेंट जिसके बारे में आपको खोज करनी होती है उससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस ही आपके तर्क को मजबूत करते हैं। तर्क वास्तव में तब तक निराधार है जब तक कि आपके पास उस तर्क के लिए तत्व ना हो, मेटाफिजिक्स उसकी ना हो। विज्ञान हो, भौतिकी हो, रसायन हो या फिर आध्यात्म हो, इन सब के लिए तत्व की बहुत ज़रूरत हो सकती है, होती है। ये हो सकता है कि एक कंडीशन में ईश्वर नाम का तत्व ना हो तो प्रकृति तो है, जैसे प्रकृति आकर के खड़ी हो जाती है वैसे ही साइंस के स्टूडेंट को या किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता उसको दर्शन समझने में आसानी हो जाती है। हमको करना ये होता है कि शिक्षक शिक्षा के दौरान जो लर्नर होता है उसको ये बताना होता है कि वो उसने जो भी कुछ पढ़ा है जिसमें भी उसकी आस्था है उसके लिए वो तर्क तभी तैयार करेगा जब उस मेंटल को तत्व को समझ पाता है कि हाँ वो तत्व क्या है। अगर वो आध्यात्म जी रहा है तो उसके लिए वो तत्व ईश्वर हो सकता है, आत्मा हो सकती है, ब्रह्मांड जगत हो सकता है, और यदि वो ईश्वर को नकार रहा है तब उसके लिए बेसिक तत्व नेचर हो सकती है, नेचर की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा इस संदर्भ में एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वहाँ दो तरह की बात आती है कि कुछ चीज़ें जो अनुभव में आती हैं और कुछ चीज़ें जो अनुभव में नहीं आती हैं, और कुछ लोग उसमें ये मान के चलते हैं कि जो अनुभव में आता है हम उसी को स्वीकार करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अनुभव के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो कि अनुभव से नहीं समझा जा सकता लेकिन वास्तव में वो एग्जिस्ट करता है।
यहाँ भी ना, यहाँ भी आपकी बातों में दो चीज़ें बड़ी साफ है, पहला वो अनुभव, दूसरा अनुभव के इतर। मतलब जब आप अनुभव के इतर कहते हैं तो उसको अतिंद्रिय प्रत्यक्षण या जिसको हम कहते हैं सेंसरी परसेप्शन हो सकता है। जैसे ईश्वर को मैंने कभी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन एक हमारा जो अंतः मन है जिसको हम अंतःकरण कहते हैं, उसमें उस ईश्वर के लिए कुछ ना कुछ आस्था और ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, फीलिंग जिसको हम कहते हैं। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ है, अनुभव की जब हम बात करते हैं तो बच्चों को भी इस बात पर ध्यान देना होता है और टीचर को भी, कि मानव के जीवन की अवधि बहुत सीमित है। वो चाहे ईश्वर को ना माने कोई बात नहीं, प्रकृति को भी अगर वो मानता है तो प्रकृति का सारा अनुभव वो अपने जीवन काल में नहीं ले सकता है। मसलन कि प्रकृति के अंदर जो प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया है उसमें लाखों साल लगे हैं। तो अनुभव के मायने ये है कि एक अनुभव वो है जो आप स्वयं अपने जीवन में ले रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि दूसरों के अनुभव से आप अपने ज्ञान को समृद्ध करते हुए आगे तक चले जा रहे हैं। विज्ञान इसी तरह तरक्की करता है। विज्ञान किसी एक की खोज पर चलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि विज्ञान अपनी प्रगति को दूसरों के अनुभव के हिसाब से आगे बढ़ाता है। तो अनुभव के आधार पर बच्चों को ये भी समझना होगा कि कुछ अनुभव तो उनके भी होंगे, लेकिन कुछ अनुभव पहले से ही लोगों ने उन तक पहुँचाए हैं जिसको उनको स्वीकार करना होता है। नई खोज इस संदर्भ में आपके लिए अच्छी हो सकती है कि वो नए निष्कर्ष निकालती हो। यदि आप पुराने अनुभवों पर ही नई खोज करेंगे तो आप उसी समय चक्र में फंस करके रह जाएंगे। इस संदर्भ में एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ कि कल भी मैंने इसकी चर्चा करी थी कि मासूम ने इस बात पर काफ़ी जोर दिया था और मुझे ये बात बड़ी अच्छी भी लगती है कि अक्सर हम ये देखते हैं कि सामान्य जो जन है वो दर्शन से दूर भागता है। वो कहता है साहब ये तो जो है बड़ी अलग टाइप की चीज़ है, और उससे वो सोचता है कि इससे साथ मेरा तालमेल नहीं बैठ पाएगा। जबकि महोत्सव ने कहा कि आपको दर्शन से भागने की ज़रूरत नहीं है, दर्शन के किसे दो दो हाथ करने की ज़रूरत है जिससे कि वो आप जीवन को और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकें। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि जब हम दर्शन को सामान्य स्तर पर पढ़ते हैं बच्चों को, तब एक लाइन लिखी जाती है कि दृश्यते अनेन चायति दर्शन, जो देखा जाए वही दर्शन है। तो दर्शन से तो ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसका कोई दर्शन ना हो। वो प्रभावित करने की काबिलियत रखता है, चाहे वो अच्छे काम से कर रहा हो बुरे काम से कर रहा हो। वो जिस भी एक्ट के द्वारा दूसरों को प्रभावित कर रहा है वास्तव में वो दर्शन ही बना रहा है। तो दर्शन के इतर कुछ नहीं है। आपके अपने विचार उस दर्शन में शामिल हो सकते हैं, आपकी किसी दूसरी अभिप्रेरणा से जिससे आपने उसको प्रेरित होकर के किसी कार्य किया वो भी दर्शन में शामिल हो सकता है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब यही है कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके जितने भी प्रयास हैं उनको अगर एक शब्द में लाया जाए तो उसको दर्शन कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अल्ताफ जी।